What is your compensation? 55,000 per month. आपके husband क्या वो काम वगैरह करते हैं, क्या है उनका? Basically he is not doing very well in his business. He is basically trying to revive his business post COVID. उनका ऑन एंड ऑफ रहता है, कुछ ऐसा रेगुलर नहीं है, तो ज़्यादा वो घर पे कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते इस वजह से. मेरी 4 EMIs चल रही हैं जो मैं पे करती हूँ. क्या क्या EMIs चल रही है? एक तो मेरे लैपटॉप की है, एक अभी मैंने रिसेंटली iPhone 14 प्लस लिया था, मेरे हस्बैंड ने 1 प्लस लिया है तो उनका लोन है, स्कूटी हमने अभी लास्ट ईयर ली थी तो उसका लोन है. आई टेंड टू मेक इम्पल्स परचेजेस. एक चीज़ बताइए, पैसे बचते हैं आपसे? जीरो सेविंग्स. हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ फिक्स योर फाइनेंस. आज हम हैं दिल्ली के न्यू रंजीत नगर में. मैं हूँ 30-year-old फारा के साथ और हम आज उनकी फाइनेंस फिक्स करने में मदद करेंगे. वेलकम टू द शो. थैंक यू सो मच. इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू एक्चुअली सिट विद यू फाइनली. पहले आप ये बताओ कि आप आपके घर में कौन कौन है और आप कितने टाइम से यहाँ पे रह रहे हो? मैं स्टार्टिंग से दिल्ली में ही रहती हूँ. अभी नाउ आई एम मैरिड सिंस 7 years. मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ है, मेरे हस्बैंड है एंड माई 5-year-old किड. ठीक है, आप पहले एक चीज बताइए कि आप क्या करते हो आज के दिन? अभी रिसेंटली मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया है. I am working as a manager here. अच्छा. ये coaching institute है basically. And आपके field में how's the pay? Is the pay good, bad? मतलब अगर पूरी industry की बात करें. इसमें बहुत ज़्यादा pay नहीं है जैसा मैंने देखा. Think जो एक management position पे भी चले जाते हैं तो 60-70 के ऊपर नहीं मिलता है. आप कितने साल से आप काम कर रहे हो? मुझे 6-7 years हो गए हैं. आपने जब स्टार्ट किया था तब आपकी इनकम कितनी थी? I started my first job with 14,000 per month. तो आज के दिन 2023 में as a manager of an edtech startup, what is your compensation? Total annual compensation? So it's 6.6 in hand. Which translates to? 55,000 per month. कंपनी में बाकी क्या perks है? कोई पर्क नहीं है. हेल्थ इंश्योरेंस फॉर फैमिली? सब कुछ अलग से ही मैंने लिया हुआ है. सब कुछ अलग से लिया हुआ है. ठीक है. अच्छा, आपने हेल्थ इंश्योरेंस लेकर रखा हुआ है? हाँ, मतलब मेरे हस्बैंड का, बेटे का एंड मेरा है. मदर इन लॉ का मैं अभी सोच रही हूँ लेना है. और फ्लोटर प्लान लिया है, पूरा फैमिली प्लान लिया है? हाँ. कितना कवर है उसका? उसका कवर 5 lakh है. ठीक है, चलेगा, बट हो सके तो उसे 8-10 lakh कीजिए. दिल्ली का जो मेडिकल का कॉस्ट है वो कुछ कम तो नहीं है. दूसरी चीज आपने बोला मदर इन लॉ का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है. मदर इन लॉ की एज कितनी होगी? 66 तो उनका मेडिकल इंश्योरेंस महंगा होगा, बट आप एक चीज सोचिए कि उस एज में कुछ अगर मेडिकल कुछ भी अगर जरूरत पड़ जाए तो हॉस्पिटलाइजेशन का जो खर्चा होगा वो मेडिकल इंश्योरेंस से बहुत ही ज्यादा होगा. तो आपको आपकी मदर इन लॉ के लिए तो हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना ही है. और जो आपका जो फैमिली प्लान है, क्योंकि वो पूरे फैमिली को कवर कर रहा है और सिर्फ 5 lakh का है तो शायद वो कम पड़ सकता है. इसीलिए एक्को का जो हेल्थ इंश्योरेंस है इट प्रोवाइड्स अनलिमिटेड कवर. लोगों को लगता है कि दे डोंट नीड अ ह्यूज इंश्योरेंस अमाउंट, बट आजकल के टाइम पे मेडिकल ट्रीटमेंट इतनी महंगी हो गई है कि एक अनलिमिटेड कवर होना इज गुड टू हैव. तो मतलब विद एक्कोस प्लैटिनम हेल्थ इंश्योरेंस का अनलिमिटेड कवर ऐसा नहीं है दैट योर प्रीमियम इंक्रीजेस 10 times. बस 25-30% एक्स्ट्रा कॉस्ट होगा आपका प्रीमियम का, बट कवर अनलिमिटेड हो जाएगा. एक्को हैज बीन रेटेड द नंबर 1 हेल्थ इंश्योरेंस ब्रांड बाय मिंट एंड इट हैज मोर देन 7.5 crore कस्टमर्स. जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हो आपको ये 2-3 चीजें देख लेनी है. सबसे पहले वेटिंग पीरियड. यूजुअली देयर इज अ स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड ऑफ 30 days एंड फॉर सम स्पेसिफिक डिजीजेस देयर इज अ वेटिंग पीरियड ऑफ अबाउट 2-4 years, बट एक्को के प्लैटिनम हेल्थ प्लान में 0 वेटिंग पीरियड है. पर हाँ, ये 0 वेटिंग पीरियड तभी काम करेगा जब आप किसी भी प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशंस के बारे में सारे डिटेल्स फिल कर देते हो. तो इसका मतलब ये है कि अगर आप यंग और हेल्दी हो और आपके कोई भी प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशंस नहीं है तो आप ये 0 वेटिंग पीरियड पॉलिसी पा सकते हो. सो इफ यू आर हेल्दी देन दिस पॉलिसी इज गुड बिकॉज योर कवरेज विल स्टार्ट फ्रॉम डे 0 विच इज रेयर. और अगर आपकी कोई प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशंस है भी तो भी इट्स ओके, क्योंकि एक्को में आपको वही पॉलिसी मिलेगी जहां वेटिंग पीरियड आपके लिए सही हो. बहुतों को ये नहीं पता कि ज्यादातर इंश्योरेंस पॉलिसीज हॉस्पिटल में 100% बिल पेमेंट कवर नहीं करती है. मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है तो पूरा बिल पे तो होना ही चाहिए, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है. सेकेंड इज कोपे. अ लॉट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स हैव दिस फीचर कि कभी भी आगे जाके हॉस्पिटलाइज होते हो तो हम उस हॉस्पिटल बिल का एक पार्ट ही पे करेंगे और थोड़ा बहुत आपको भी अपने जेब से निकालना पड़ेगा. एक्को के केस में ऐसा कोई कोपे नहीं है.
थर्ड इज कॉल्ड रूम रेंट लिमिट. अ लॉट ऑफ टाइम्स हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसे ऐसे पॉलिसीज होते हैं कि आपका जो सम इंश्योर्ड है उसका 1% ही रूम रेंट लिमिट होगा. मतलब अगर आपका 5 लाख का कवर है तो 5,000 से ज्यादा आपका रूम का रेंट नहीं होगा. अगर हुआ तो जो भी अमाउंट आएगा वो आपके जेब से निकलेगा. और तो और, अगर आपकी पॉलिसी में रूम रेंट लिमिट है बट आप एक बड़े रूम लेते हो तो बिल का सिर्फ एक पार्टी पे करना होता है. अगर बिल आपके कवरेज से कम भी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. द रूम रेंट लिमिट डजंट जस्ट अफेक्ट द रेंट ऑफ योर हॉस्पिटल रूम बट अदर कॉस्ट लाइक द कॉस्ट ऑफ सर्जरी, अटेंडेंट कॉस्ट एंड इवन द कॉस्ट ऑफ टी इंक्रीजेस बेस्ड ऑन द हॉस्पिटल रूम दैट यू सिलेक्ट. विद एको यू कैन चूज एनी रूम बेस्ड ऑन योर सम इंश्योर्ड. And the fourth point is that ACO covers 100% of the hospital bill payment under their ACO Platinum Health Plan. So even consumables like syringes, gloves, attendant charges, etc., which make up 10 to 15% of the charges, ye sare cheeze bhi covered rahegi. So if you are looking for a health insurance policy, you should definitely check out ACO's new policy, which has an unlimited cover. The link is in the description of this video. ठीक है, तो आपकी इनकम 50-55,000 रुपीज़ है. ठीक है, आपके हस्बैंड क्या वो काम वगैरह करते हैं, क्या है उनका? राइट, सो बेसिकली ही इज़ नॉट डूइंग वेरी वेल इन हिज बिजनेस. ही इज़ बेसिकली ट्राइंग टू रिवाइव हिज बिजनेस पोस्ट कोविड. सो इज इट राइट टू से दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल योर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस? काइंड ऑफ. ही एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट लाइक अराउंड 20,000 पर मंथ. मतलब 20,000 तो फिक्स ही है, कभी कभी उससे ऊपर भी हो जाता है. Sometimes he also has his loans, तो वो अपने loans वगैरह चुकाने में दे देते हैं, तो ज़्यादा वो घर पे contribute नहीं कर पाते इस वजह से. तो ये जो business loans है कि personal loans है? दोनों ही. ठीक है, तो ये जो पर्सनल लोन्स और बिजनेस लोन्स की जो EMI वगैरह है वो आप पे करते हो कि वो? जो उनके अपने हैं वो खुद ही टेक केयर करते हैं उसकी. बट हाँ, जो हमारे हाउस होल्ड के लोन्स हैं, जैसे अभी मेरी 4 EMI चल रही हैं जो मैं पे करती हूँ. क्या क्या EMI चल रही है? एक तो मेरे लैपटॉप की है, एक अभी मैंने रिसेंटली iPhone 14 प्लस लिया था. अच्छा, क्या कॉस्ट है उसका? वो मुझे आफ्टर इंश्योरेंस 92,000 का पड़ा था. 92,000 का पड़ा था. अगला लोन क्या है आपका? मेरे हस्बैंड ने 1+ लिया है तो उनका लोन है. एंड देयर इज वन मोर लोन, स्कूटी हमने अभी लास्ट ईयर ली थी तो उसका लोन है. ठीक है, एक एक करके आते हैं. पहले लैपटॉप, कितने का लैपटॉप होगा? मेरा लैपटॉप अराउंड 36,000 का है. ओके, दूसरा आपने बोला iPhone 14 प्लस खरीदा है, राइट? 92,000, राइट? ठीक है, फिर तीसरी चीज आपने कही थी वन प्लस का फोन, उसका कॉस्ट कितना था? 35,000 के आसपास. 35,000. और फिर स्कूटर कितने की थी? स्कूटी 1 लाख से ऊपर की है, आई थिंक 1,10,000 या 20,000. उसका कितने महीने का EMI है? 24 months. ऑटो लोन लिया आपने कि पर्सनल लोन? ऑटो लोन है. कितना इंटरेस्ट रेट है उसका? ये तो मुझे पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया. ओके, आपका जो फोन है iPhone 14 प्लस, ठीक है, वो कितने महीने का EMI है? 18 months. कितना उसका EMI होगा? 5,000. OnePlus का जो फोन लिया वो कितने महीने का है EMI? 6 months. उसका कितना EMI है? 3,600. आप एक चीज समझ रहे हो कि क्योंकि आप चीजें EMI में खरीद रहे हो और छोटा छोटा अमाउंट हर महीने आपको देना पड़ रहा है, आपको लग रहा है कि आप चीजें अफोर्ड कर सकते हो जो आप नहीं कर सकते हो. जैसे कि आपने बोला कि iPhone 14 प्लस, ठीक है, 92,000 रुपीज़ का, ठीक है, आपको iPhone का शौक है, मैं मानता हूँ. iPhone 14 ले लो, iPhone 14 मिनी ले लीजिए, iPhone 13 ले लेते हैं, है ना? Right. आपने सबसे महंगा iPhone आपको क्यों खरीदने की जरूरत है? यू हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो ना, पूरी फैमिली का देख रहे हो. Right. तो क्या होता है, मतलब वॉट इज योर माइंड सेट, ये बताइए. EMI के साथ आपका क्या रिश्ता है ये? एक्चुअली जो ये चीज़ें मैंने ली हैं, आई टेंड टू मेक इम्पल्स परचेजेस, ये है मेरे साथ. और EMI मुझे लगता है नो कॉस्ट है तो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा तो कुछ पे करना नहीं पड़ रहा है. हाँ, सबसे पहले एक और चीज़ है कि आप इंटरेस्ट कुछ पे नहीं कर रहे हो, बट अगर आप इंटरेस्ट पे करते तो उस इंटरेस्ट पे जो भी GST लगनी है 12% या 18% की, वो GST आप पे करते हो. आपको ये चीज पता थी? नो. हाँ, नो कॉस्ट EMI में आप इंटरेस्ट का एक GST पार्ट रहता है, ठीक है. एंड मोर देन दैट, द बिगेस्ट प्रॉब्लम हियर इज कि आपने कहा कि इम्पल्स परचेजिंग का प्रॉब्लम है, राइट? क्या होता है आप ये बताइए कि लेट्स से आपको कुछ खरीदना है, ठीक है, उसके कितने टाइम में आप वो चीज खरीद लेते हो?
मैं ऐसा होता है कि कोई जैसे मैंने वीडियो देखा लाइक मुझे लाइक शॉपिंग वगैरह वैसे अपने लिए भी करना पसंद है तो वीडियो देखती हूँ फिर वीडियो देखते देखते ही आए बेसिकली ओपन द अमेज़ॉन नायका ये सब मिंत्रा ओपन किया और ठीक है कार्ट में ऐड किया फटाफट से परचेज कर लिया ऐसा ठीक है आपकी इंपल्स परचेजिंग वाला जो प्रॉब्लम है वी विल टैकल इट लेटर पहले लेट्स अंडरस्टैंड योर एक्सपेंसेस ठीक है सबसे पहले ये जो घर है रेंट में है कि खरीदा हुआ है क्या है सो इट्स पेरेंट्स ओन्ड हाउस मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स का है बहुत सही So we don't pay any rent. कुछ भी नहीं है तो हाउसिंग कॉस्ट आपका जीरो ठीक है सेकेंड इज कम्यूट आपका ऑफिस इधर से कितना दूर है मुझे मैं मेट्रो से कम्यूट करती हूँ तो आधा घंटा लगता है इट्स लाइक 100 rupees मुझे लग जाते हैं एक दिन में 100 rupees लग जाते हैं 20-22 दिन का वर्किंग होगा तो 2200 rupees आपका कम्यूट हो गया बाकी कोई बाहर वाहर जाना फैमिली का कुछ भी जो फ्यूल वगैरह पेट्रोल स्कूटर में पेट्रोल भरना वो सब मिला कितना होता होगा 5-6,000 का फ्यूल हम यूज कर लेते हैं मंथली आपके पास कौन सी व्हीकल है दोनों ही है कार भी है और टू व्हीलर भी ठीक है जो कार खरीदी हुई है वो आपने लोन में लिया है कैश में लिया है क्या वो मेरे फादर ने शादी पे गिफ्ट की थी अच्छा ओके तो आपका जो ट्रैवल और कम्यूट का कॉस्ट है वो करीब 8,000 rupees 8,000-8,500 rupees टोटल फ्यूल प्लस योर मेट्रो नेक्स्ट इज फूड खाने का आप लोग खाने का कैसे मैनेज करते हो मैं ही कुकिंग करती हूँ कभी कभी मम्मी करती हैं कभी कभी हम लोग लाइक वीक में एक बार आउटिंग के लिए भी जाते हैं अच्छा तो उसमें लग जाते हैं एक आउटिंग में हमारे 2,000-2,500 rupees तो 2,000-2,500 rupees तो महीने का 10,000 rupees बाहर खाने का खर्चा और जो रोज़मर्रा के जो ग्रोसरीज होते हैं और सारे चीज़ें सब्जियां होती है मिल्क होता है ये सब में कितना जाता होगा अराउंड आई थिंक 12,000-13,000 तो हो जाता है तो आपका फूड का अगर हम गिने तो 23,000 rupees होता है ठीक है कूल ये तो जनरली हाउसिंग ट्रैवल और फूड ये तीन सबसे बड़े मेजर एक्सपेंसेस के कैटेगरी होते हैं राइट आपके केस में किड भी है आपका एक बच्चा है राइट 5 साल का है उसके रिलेटेड कौन से फिक्स्ड खर्चे बड़े बड़े वाले उसका जो स्कूल फी है वो काफ़ी नेग्लिजिबल है बिकॉज वो ईयरली हम लोग एक साथ पे करते हैं ओनली 12,000 ओह वाह वेरी नाइस बहुत अच्छा है वो तो एंड उसका ट्यूशन फी जाता है 1,000 rupees पर मंथ हाँ तो आपका बेसिकली अगर मैं हाउसिंग ट्रैवल घर का खाना जो ग्रोसरीज है और ट्यूशन का जो 1,000 rupees गिन के पकड़ू योर मंथली एसेंशियल एक्सपेंसेस आर एट अराउंड 22,000-23,000 rupees तो आपके हाउस होल्ड इनकम के हिसाब से आपका जो एसेंशियल एक्सपेंस रेशियो है विच इज़ बेसिकली फिक्स्ड नेसेसरी एक्सपेंसेस जिसको हम नीड्स भी कहते हैं डिवाइडेड बाई टोटल हाउस होल्ड इनकम दैट इज़ जस्ट 30% बहुत ही अच्छा है तो विच मीन्स दैट योर एक्सपेंसेस योर फिक्स्ड एक्सपेंसेस आर वे अंडर कंट्रोल बट एक चीज बताइए पैसे बचते हैं आपसे जीरो सेविंग्स ठीक है मुझे और एरियाज बताइए आपके यूटिलिटी बिल्स के बारे में बताइए इलेक्ट्रिसिटी का कितना खर्चा होता है अराउंड 7,000-8,000 अ मंथ यस क्यों आई थिंक देर इज सम प्रॉब्लम इन द मीटर या पता नहीं क्या है स्टार्टिंग से इतना ही आता है बस जब विंटर्स आती हैं तो उस टाइम पे 2,000 के अराउंड एसी कितना टाइम चलता है एसी पूरा दिन ही चलता है पूरा दिन ही चलता है तो मीटर में तो कैसे खराब है कैसे आप मीटर पे आपने नाम दे दिया ठीक है तो आएगा ही 7,000-8,000 का बिल दूसरा फिर इंटरनेट वगैरह का कितना एक्सपेंस है 1,200 इंटरनेट फोन एंड केबल हर चीज उसके बाद और कौन से आपके फिक्स्ड यूटिलिटी बिल्स हैं एक हाउस हेल्प है हमारे पास हाउस हेल्प हाँ सो वी पे हर 3,000 rupees पर 3,000 rupees पर मंथ तो अभी अगर मैं आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बाहर जाने का खर्चा बाहर खाने का खर्चा वाईफाई यूटिलिटी ये सब अगर मिलाओ आपका फिक्स्ड एक्सपेंस हो रहा है 45,000 rupees विच इज 60% ऑफ योर हाउस होल्ड इनकम आपने कभी अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करने की कोशिश की है या फिर आप डू यू हैव एन आइडिया ऑफ वेयर योर मनी गोज नो आई एक्चुअली स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सेविंग्स एंड ऑल दीज थिंग्स आई एक्चुअली रियलाइज्ड कि मेरे पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है तो अभी आज के दिन आपके फैमिली के हिसाब से आपको कितना बड़ा इमरजेंसी फंड चाहिए आई थिंक 2.5-3 lakh Which is 6 months of your expenses, 2.5-3 lakh 50,000 rupees per month, ठीक है? अब ये चीज़ बताइए कि कैसे, वो अमाउंट कैसे जुटाने का, क्या प्लान कर रहे हो आप?
अभी मैंने एक आरडी स्टार्ट की है इसी मंथ, जैसी मेरी सैलरी आई. कैसे आई, ये कैसे मोटिवेट हुए बताओ? आपकी वीडियोस देख के ही एक्चुअली, और थोड़ा सा मैं अब फाइनेंस के बारे में पढ़ने लगी हूँ. बहुत सही. सो आई स्टार्टेड दिस आरडी. मैंने आरडी दो तीन बारी पहले भी स्टार्ट की है, बट वो फिर मुझे बीच में ही विड्रॉ करनी पड़ जाती है. इस बार क्या लगता है? इस बार भी लग रहा है कि शायद करनी पड़ जाए, क्योंकि वो मैंने बहुत ज्यादा अमाउंट की रख ली है, 20,000 की. इस बार 20,000 की? नहीं, क्यों? आप ये मत करो ना, आप ये चीज मत करो, मतलब 5,000 से शुरू कीजिए ना. आपके खर्चे जो हमने कैलकुलेट किया 50,000-55,000 तो अभी बन के आ रहे, तो आप कैसे 20,000 रुपए आरडी कर पाओगे? वही, बट फिर अगर मैं 5,000-5,000 की आरडी करने लगूं तो फिर इमरजेंसी फंड तो बनने में बहुत टाइम लग जाएगा. तो उसके लिए आप पहले ये कीजिए ना, पहले आप एक ऐसा अमाउंट मुझे बताओ जो आप अगले 12 महीने के लिए कमिट कर ही सकते हो बिना कुछ सोचे कि हाँ ये तो मैं करूंगी कुछ भी हो जाए. वो अमाउंट क्या है? 5,000-8,000. कैन यू चेंज द अमाउंट ऑफ दी आर डी फ्रॉम 20,000-6,000? क्या आप वो कर सकते हो? यस. क्योंकि वो 20,000 की आर डी बंद हो जाएगी, बट अगर 6,000 रुपये 12 महीने के लिए करोगे आपके 75,000 रुपये बन जाएंगे. तो पहली चीज, सेट रियलिस्टिक एंड एक्शनेबल गोल्स, ठीक है, जो आप लॉन्ग टर्म तक कर सको. दूसरी चीज ये कि इतने ई एम आईज क्यों? वही बस, मुझे लगता था कि जैसे अभी हमारे पास इन हैंड लाइक 30,000 है, 20,000 की कोई चीज़ लेनी है तो हम ले सकते हैं, बट फिर लगता है कि अब इसकी EMI करवा लेंगे तो वो अमाउंट ब्रेकअप हो जाएगा. अगर आपको कैश में iPhone 14 प्लस खरीदना होता, क्या आप खरीदते? नो. क्यों? बिकॉज अमाउंट इतना ज़्यादा था, मैं नहीं दे पाती उसको. विच मीन्स दैट आप वो चीज़ कहीं ना कहीं अफोर्ड नहीं कर सकते हो. राइट. तो EMI बेसिकली आपको कन्विंस कर रहा है कि नहीं नहीं आप अफोर्ड कर सकते हो. काइंड ऑफ. तो सबसे पहली चीज, फर्स्ट थिंग, टू कर्ब योर इम्पल्स परचेज. यू सेड ना इम्पल्स परचेज का प्रॉब्लम है. वॉट एवर यू आर प्लानिंग टू बाय, जस्ट चेक दैट यू इफ यू कैन बाय टू ऑफ द सेम प्रोडक्ट्स. तो मैं बोल रहा हूँ कि आईफोन 14 प्लस इंसान तभी खरीद सकता है जब वो 2,00,000 रुपए फोन में स्पेंड कर सकता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि 1,00,000 का फोन आप नहीं स्पेंड कर सकते हो ना. आपकी इनकम, दिस इज 2 months ऑफ योर इनकम. तो आपके केस में इम्पल्स परचेजिंग का प्रॉब्लम दिख रहा है. हमारा भी एक इम्पल्स स्पेंडिंग को कंट्रोल करने का फ्रेमवर्क है. फ्रेमवर्क का नाम है स्टॉप, ठीक है. एस इज फॉर सेल्फ एसेस. इसका मतलब ये कि कोई भी चीज अगर आप खरीदने का प्लान कर रहे हो, सबसे पहले आप ये पूछो, डू आई नीड इट और डू आई वॉन्ट इट, मतलब क्या ये चीज जरूरी है कि नहीं. दूसरी चीज है टाइम आउट. जैसे कि कहा, बहुत बार ये होता है कि जब आप पहली बार किसी चीज को देखते हो तो लगता है कि हाँ मुझे चाहिए, बट 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद तो पता चलता है कि ये चीज तो मुझे जरूरत ही नहीं थी. एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग विथ यू एज वेल, राइट. ओ इज क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शंस, ठीक है. तो आपके केस में आपको शॉपिंग, आप ऑनलाइन करते हो, राइट, ऐप अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है. वीडियोस देख के अगर बहुत मन करता है तो वो सारे चैनल्स को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, या फिर उनके वीडियोस कम देखिए, है ना. एंड पी इज प्लानिंग. प्लानिंग बेसिकली आपको अपने इनकम का बेसिक आइडिया होना चाहिए. आई विल गिव यू एन इनकम स्टेटमेंट एक्सेल शीट, ठीक है. उस एक्सेल शीट में बेसिकली ये होगा कि यू आर बेसिकली क्रिएटिंग लाइक अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर योरसेल्फ, कि मेरी इनकम कितनी है, मेरे हस्बैंड की इनकम कितनी है, दिस इज माई हाउस होल्ड इनकम. देन यू विल बेसिकली एड ऑल द कैटेगरीज ऑफ एक्सपेंसेस. देन यू विल बेसिकली सी हाउ मच सेविंग्स यू हैव इन हैंड एंड हाउ मच यू कैन इन्वेस्ट. और ये इनकम स्टेटमेंट के बाद आपको बेसिकली पता चलेगा कौन से कैटेगरीज में मैं ज़्यादा स्पेंड कर रही हूँ और कहाँ से मैं मनी कम कर करके, एक्सपेंसिस कम करके अपना इमरजेंसी फंड बना सकती हूँ, एंड इवेंचुअली ऑल्सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग टू क्रिएट अ सिक्योर फ्यूचर फॉर यू एंड योर एंटायर फैमिली. And one more thing I have done for stopping this basically impulse purchases, or so that मैं एक track भी रख सकूँ अपने expenses का, मैंने एक WhatsApp group create किया है अपने husband का और मेरा, जिसमें अगर हम 10 रुपये की चीज़ भी खा रहे हैं तो हमें वो डालना है. अगर मैं कुछ भी ले रही हूँ या कुछ भी purchase कर रही हूँ, कोई भी चीज़ छोटी मोटी अगर शॉपिंग कर रही हो तो वो भी हम उसमें डालते हैं. बेसिकली आप अकाउंटेबिलिटी, ही इज योर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, और आप दोनों हर एक चीज उधर लिख रहे हो. दिस अकाउंटेबिलिटी विल कीप यू ऑन ट्रैक, ठीक है, बट डोंट यू नो स्टॉप डूइंग इट इन द नेक्स्ट 1 or 2 months. कंसिस्टेंटली करो एंड वेंस यू जूम आउट आफ्टर ईयर यू विल सी अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस. ये तो करेंट अभी का सिचुएशन है, ठीक है, 2023 का एक्सपेंसिस इनकम ये सब.
आगे का सोचा है आपने? आपका एक 5 साल का बेटा है अशर, है ना? Yes. वो आगे जाके स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, फिर बाद में आप लोगों को भी आगे जाके मतलब शायद आपके भी एम्बिशंस होंगे, तो ये सब चीजें वह क्या? अभी एक्चुअली मैंने अब सोचना स्टार्ट किया है. इससे पहले लाइक लास्ट मंथ तक सेविंग्स का कोई कंसेप्ट था नहीं मेरे डायरी में बेसिकली. तो अभी मैंने स्टार्ट किया है सोचना, और अभी मैं ऑप्शंस कंसिडर कर रही हूँ, थोड़ा सा स्टडी कर रही हूँ इस बारे में कि क्या क्या मैं कर सकती हूँ. लाइक SIP के बारे में पता चला, म्यूचुअल फंड्स. एंड SIP इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल, SIP इज अ वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स और एनी अदर एसेट. कंटिन्यू. हाँ, तो अभी मैंने एक्चुअली सोचना ही स्टार्ट किया है ये सब कि मैं कैसे कर सकती हूँ. लाइक एजुकेशन के लिए भी अब मैं सोच रही हूँ कि कितना ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम पे. अभी मुझे एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूज्ड भी हूँ कि किस तरीके से स्टार्ट करूँ. आई वॉन्ट टू स्टार्ट बट आई हैव नो आइडिया वेयर टू स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट. जब भी आप इन्वेस्टिंग करना शुरू करोगे ना, आपको ये सोचना है कि आप ये पैसा किस रीजन से इन्वेस्ट कर रहे हो. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्रिएट एक्शनेबल गोल्स वाइल इन्वेस्टिंग. एक्शनेबल गोल इज कलेक्ट 50 lakhs इन द नेक्स्ट 13 years फॉर माई सन्स हायर एजुकेशन. एक्शनेबल गोल इज आई वॉन्ट टू बाय अ हाउस इन 5 years, आई वॉन्ट टू सेव अप 10 lakhs फॉर द डाउन पेमेंट. ये सारे एक्शनेबल गोल है और उन गोल के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चूज करना है. अगर बहुत शॉर्ट टर्म हो, 3 साल से कम, तो आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, आपको फिक्स डिपॉजिट डाल के रख देना है. अगर 3 से 5 साल है तो आपको बड़े बड़ी कंपनीज, मतलब जो रिलायंस हो गए, HDFC, ये वाले जो कंपनीज है उनके म्यूचुअल फंड खरीदने चाहिए, मतलब लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स खरीदने चाहिए एंड अ मिक्स ऑफ फिक्स डिपॉजिट्स. और अगर 5 साल से ज़्यादा के आपकी गोल्स है तो यू कैन इन्वेस्ट इन इक्विटी. मतलब इक्विटी मतलब ये जो स्टॉक्स वाले जो म्यूचुअल फंड है आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको जनरली ज़्यादा रिटर्न मिलता है फिक्स डिपॉजिट से. तो ये हमारा फटाफट फाइनेंस राउंड है, ठीक है? आपको जल्द से जल्द इन क्वेश्चंस के आंसर्स देना है. सबसे पहले, इफ मनी वाज आउट ऑफ कंसिडरेशन, व्हाट वुड यू डू फॉर अ लिविंग? आई'ल बी अ होममेकर, मेबी आई'ल स्टॉप वर्किंग. इफ यू हैड एन अनलिमिटेड बजट, ठीक है, व्हाट वुड यू गिफ्ट योरसेल्फ? मेबी सम एक्सपेंसिव क्लोथ्स, हैंडबैग्स, शूज. आई'ल स्पेंड एवरीथिंग ऑन मायसेल्फ. पर अभी आपके पास अनलिमिटेड बजट नहीं है, अभी आपको ये सारे चीज़ों में कंट्रोल करना है, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ ये है कि इफ़ यू हैव टू चूज बिटवीन अ लैविश कार और अ लैविश हाउस, व्हाट वुड इट बी? ऑब्वियसली लैविश हाउस. अगला सवाल, व्हाट इज द बिगेस्ट परचेज दैट यू रिग्रेट? आईफोन 14 प्लस. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, हमारे इस कॉन्वर्जेशन के बाद आप ऐसी क्या चेंजेस लाओगे जिससे आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़े? वैसे मैंने थोड़े बहुत स्टेप्स लेने स्टार्ट कर दिए हैं. लाइक लास्ट टू लास्ट मंथ आई हैड अ पर्सनल लोन ऑफ 1 lakh. देन आई एक्चुअली केम थ्रू योर चैनल, आई स्टार्टेड वॉचिंग योर वीडियोज. सो मैंने वो पर्सनल लोन अपना ख़त्म कर दिया, जो मेरे ऑफिस से बोनस मिला था एंड माई हस्बैंड सेविंग्स, वो सब मिला के मैंने 90,000 का जो उसका अमाउंट था वो पे कर दिया पूरा एंड वो ख़त्म कर दिया. बहुत सही. सो अभी तो मैं स्टार्ट करूँगी अपने बेटे की एजुकेशन के लिए सेविंग्स, और देन एमरजेंसी फंड ऑब्वियसली, और तीसरा वही कि अपनी मदर इन लॉ के लिए एक मेडिकल इंश्योरेंस लूंगी. दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू सो मच, आपने हमें आपके घर में बुलाया. आई होप आज के कॉन्वर्जेशन के बाद आपको थोड़ी बहुत लाइफ में कुछ मदद मिल जाए. आपने ऑलरेडी बहुत सारे चीज़ें कंट्रोल में करनी शुरू कर दी है, यू आर ऑलरेडी बिकमिंग स्मार्टर, एंड आई होप अगले 1 या 2 साल बाद जब हम वापस मिलेंगे आप फाइनेंशियली एक बहुत ही ज़्यादा सिक्योर जिंदगी जी रहे हो. थैंक यू सो मच फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, हिट द लाइक बटन, एंड अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना. आपका प्यार ही हमें मोटिवेट करके रखता है. ऑल्सो करेंटली मैं दिल्ली में हूँ, हर महीने मैं अलग अलग शहर में जाके फिक्स योर फाइनेंस का टूर करना चाहता हूँ. तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को तो भर ही दीजिए, और कॉमेंट्स में ये भी बताओ कि दिल्ली के बाद अगले महीने मैं कहाँ हूँ. चलिए, गुड बाय, सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम.